खाते हैं, ये खाना, ये देखो अब मैं ये खाने के डालूंगी इनको, ये देखो ये चावल देखो ये रखे है मैंने इनके लिए, खाते नहीं है, थोड़ा सा खाते हैं, अब मैं इसमें फुलके डालूंगी, अभी देखो डालता कौन देगा ये। ये देखो ये सब इनकी दवाइयां हैं, ये जोतनी ही है ये सब। ये लोग कुछ ऐसे कुत्तों को खाना डालते हैं जो पास के स्कूल टीचर्स के अनुसार खतरनाक एग्रेसिव हैं और जिन्होंने आसपास सबका जीना दूभर कर रखा है। यहाँ पर ये जो घर है ना, 5-6 कुत्ते हैं इनके। आपको भी पड़ते हैं ना खाने? हाँ, मेरे को भी पड़ते हैं। काटे तो काफी ये बंदों को काटा है। ये स्कूल में आते मॉर्निंग टाइम में भी, शाम को 5 बजे आते, 10 बजे आते हैं, पर नहीं कभी काटते हैं। कुछ बोल रहे हैं काटते हैं, कुछ बोल रहे हैं नहीं काटते हैं, कोई नहीं काट रहे हैं, किसी को नहीं काट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सारे। काटा नहीं, मैं स्कूटी पे थी ना, पीछे दौड़ते। कभी किसी ने कुत्ते को मारा होगा या कोई सोटी से मारेगा तो नेचुरली ये कुत्ता भोंकेगा भोंकेगा। स्कूल में इतने बच्चे यहाँ पे आते हैं, अगर कोई आता तो आप लिख के दीजिए कौन जिम्मेदार है। जो आप पाले हुए ना उनको बांध के रखो आप। हमारा तो एक हमने बांध के रखा है उसको, हमने के मम्मी के पूछ रहे हैं 24 घंटे बंदा होता है। एक कुत्ते का है ना आपका, आप उसके बारे में जो बाकी बार बैठते हैं उसके बारे में क्यों बता? मैम जी अब क्या करोगे, आपके घर के बाहर कुत्ता बैठ जाएगा, आप खाना डाल दोगे तो क्या? नहीं तो आप अपने कुत्ते का रखो ना, अपने कुत्ते को रखो, बाकी को रहने दे। सारे एक घर में इकट्ठे कैसे हो जाते हैं कुत्ते? वो खाना डालते हैं ना, अगर आप अपने घर के बाहर खाना डालोगे कुत्तों के, वो आपके घर के बाहर भी बैठ जाएंगे सारे। इनको यहाँ से उठा के ले जाओ कहीं और ले जाओ, वहाँ नहीं काटेंगे, वहाँ को फिर आगे देखा जाएगा। यहाँ की तो अपना प्रॉब्लम सॉर्ट करके दूसरी जगह प्रॉब्लम डाल रहे हैं। डॉग्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना यानी रिलोकेट करना ना सिर्फ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत गैर कानूनी है बल्कि ये कारगर समाधान भी नहीं है। बल्कि जब हर कोई अपने यहाँ के डॉग्स किसी और के यहाँ छोड़ के आ रहा है तो उससे स्थिति बदतर ही हो रही है, क्योंकि एक नए एरिया में डॉग्स एक कंफ्यूज्ड अवस्था में होते हैं, ना वो किसी को पहचानते हैं, ना उन्हें पता है खाना कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, कहाँ सोना है, तो उनकी एंग्जाइटी और एग्रेशन और साथ ही में उनके किसी को काटने के चांस बढ़ सकते हैं। ऐसा करते हैं ना, फीमेल डॉग स्टरलाइज्ड हैं, जो अब इनके मेल कुत्ते हैं जो बाहर बैठे होते हैं उसमें से जो 3-4 कुत्ते हैं उनको लेकर जाते हैं, उनको न्यूटर करवाते हैं, 8-10 दिन बाद फिर वापस लेकर आ जाएंगे। फिर नहीं खाएंगे मतलब, फिर नहीं किसी फिर को शांत हो जाते हैं न्यूटर करने की वजह से ना, शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, न्यूटर करके देख लेते हैं एक बार, क्या पता शांत हो जाए, नहीं होंगे तो फिर आप SDM से बात कर लेना। हमने SDM साहब को लिख के दिया है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चलो कोई नहीं, आप अपना काम कीजिए ना, ये आपकी हैवी नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना पड़ेगा, वही बोल रहे हैं ये उन्हीं का है, उनको मैडम रिमाइंडर देना पड़ेगा। जिस देश में पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को सही और गलत में फर्क करने की अपनी ड्यूटी नहीं निभाते, नहीं बताते कि भूखे को खाना देना सही है और जो उसको खाना दे रहा है उसको सताना गलत, बच्चे के आगे एक उदाहरण बनते हैं कि भाई जो आपके लिए असुविधा पैदा कर रहा है उसको उठा के कहीं और कर दो, फिर वो चाहे खुद मुसीबत में पड़े या किसी और की मुसीबत बने, उस देश में जब वो बच्चा बड़ा होकर अधिकारी बन जाता है तो फिर क्यों उस अधिकारी से ये अपेक्षा रखी जाए कि वह अपनी ड्यूटी निभाएगा। ये नहीं समझते हैं, ये नहीं, जबकि स्कूल वालों को तो और समझना चाहिए, आगे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। ये बच्चों को यही शिक्षित करेंगे, कुत्तों से नफरत करो, कुत्तों को पत्थर मारो, कुत्तों को सोटी से मारो, नेचुरली यार जब आपको कोई मारेगा तो आप कुछ तो करोगे, चाहे आप कितने कमजोर हो या मैं कितना कमजोर हूँ। लोग हर कोई इनको मारने की कोशिश करता है, मैं इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाता हूँ, इनका इलाज वगैरह कराता हूँ और बस छोड़ देता हूँ, खाना खुना डाल देते हैं और पेटी के ऊपर सोते हैं, ये इनके लिए बनाया हुआ है, ये देखो इसके बिना नहीं खाते हैं ये खाना, ये देखो अब मैं ये खाने डालूंगी इनको, ये देखो ये देखो इसके बिना नहीं खाते हैं, अब मैं खाना डालने लगी थी इनको, ये चावल देखो ये रखे है मैंने इनके लिए, खाते नहीं है, थोड़ा सा खाते हैं, अब मैं इसमें फुलके डालूंगी, अभी देखो डालता कौन देगा ये। अरे यार ये बड़े प्यारे यार, ये प्यार कर रहे हैं, कोई ये काट तो नहीं रहे, देखो ना कैसे करा। मैं उधर गोलगप्पे बेचता हूँ नारे चौक के पास, वही हो जाती है, गुजारा चला हुआ है, कुत्तों को खिला देते हैं, कुछ खुद खा लेते हैं, बस इनका भी पेट भर जाता है, हमारा भी भर जाता है। काटते कोई नहीं है, काट भैंस गई है। चल भाई छोटू, बच्चे को भी बोल रहे थे अग्रेसिव है। साइज देखो इसका। इनकी सर्जरी के बाद हमने इनकी आवश्यक पोस्ट ऑप केयर करी और उसी दौरान ऑब्जर्व करके ये भी पुख्ता कर लिया कि ये अग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखा रहे।
इसके बाद हमने इनको वापस जहाँ से हम लाए थे वहीं पे रिलीज कर दिया। प्लेटों में खाना खाते हैं, नीचे नहीं खा सकते हैं, नहीं खिलाया कभी। इनकी थालियाँ लगी पड़ी हुई हैं। लोग हमारे बारे में कई कुछ बोलते होंगे, बट हम भी किसी की परवाह नहीं करते हैं, ठीक है ना। हमें देते रहते हैं ना धमकियां सारे ही कि हम ऐसा करेंगे। चलो मुझे लगता है कि हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने दिल को सेटिस्फाई है, बाकी जो भी होगा देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मौका देख के कभी चोरी छुपे तो कहीं चौड़े में। देखिए अच्छा काम करने के अलावा आखिर है ही क्या।